दोस्तों, क्या निर्देशक OTT प्लेटफॉर्म्स में KGF 2 जारी नहीं करना चाहते हैं? और दोस्तों, फिल्म का ट्रेलर दशहरे में क्यों नहीं रिलीज किया गया? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गरिमा अरोड़ा और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़ में। दोस्तों, हम आपको बता दें, KGF 1 दर्शकों के बीच एक बड़ी हिट थी और फिल्म के बारे में सबसे अधिक चर्चा भी थी। सभी को KGF 2 की रिलीज के साथ दर्शक बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और फिल्म के लिए तैयार हैं। दोस्तों, अगली कड़ी अक्टूबर 2020 में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन संजय दत्त की स्थिति और स्वास्थ्य में गिरावट के कारण डेट में देरी हुई और इस प्रकार अब इसे ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अमेज़न प्राइम को अभी फिल्म की रिलीज की अंतिम तारीख की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये नए साल 2021 के 14 जनवरी को रिलीज होने की उम्मीद है। बिल्कुल दोस्तों, समाचार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि निर्देशक चाहते हैं कि ये फिल्म सिल्वर स्क्रीन पर रिलीज हो, ना कि किसी OTT प्लेटफॉर्म पर। ट्रेलर रिलीज को इस अक्टूबर को ही कहा गया था। मूल रूप से ये एक कन्नड़ फिल्म है जिसे कई भाषाओं में डब किया जा रहा है। दोस्तों, फिल्म का पहला भाग भी एक बड़ी हिट रहा है, इसके बावजूद कि एक मुख्य धारा का बॉलीवुड सिनेमा नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इसे हिंदी, मलयालम, तमिल और तेलुगु में डब किया जाएगा। मूवी थिएटर्स के फिर से खुलने के साथ KGF चैप्टर 1 को फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज किया गया है। दोस्तों, दर्शक पहली फिल्म के लिए अपनी उत्तेजना को नियंत्रित नहीं कर सके, जो पहले से ही 2018 में रिलीज हुई थी, इसलिए वे केवल KGF के लिए उत्साह की कल्पना कर सकते हैं। सही दोस्तों, फरहान अख्तर ने KGF 1 की फिर से रिलीज की खबर साझा की है, जहां उन्होंने जिम्मेदारी से सिनेमा का आनंद लेने का उल्लेख किया। दोस्तों, वे फिल्म के लिए बहुत उत्साहित हैं और अध्याय 2 की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। हम आपको बता दें, देश में पहली फिल्म इतनी हिट होने के बाद सीक्वल में संजय दत्त और रवीना टंडन जैसे कुछ बड़े नाम भी जुड़े हैं। फिल्म के मुख्य अभिनेता यश हैं। पहले भाग में यश ने शानदार काम किया है और शीर्ष पायदान ग्राफिक्स, कहानी और VFX के साथ फिल्म राष्ट्र में एक बड़ी हिट थी। दोस्तों, इसलिए सीक्वल से भी यही उम्मीद की गई है। इसे एक बड़ी हिट बनाने के लिए दूसरे प्रयास में बड़ी मात्रा में प्रयास किए गए हैं। फिल्म के ग्राफिक्स को बनाने में विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त के फिल्म से जुड़ने की अटकलों की पुष्टि उसी के पोस्टर से हुई। पोस्टर उनके 60वें जन्मदिन के अवसर पर जारी किया गया, जो कि 29 जुलाई को होता है। दोस्तों, वह फिल्म में प्रतिपक्षी भूमिका निभाने के लिए एकदम तैयार हैं। फिल्म मेकर्स से बात करते हुए उन्होंने कहा, संजय दत्त की कास्टिंग उनकी विरासत, काय और कौशल के कारण उनकी पहली पसंद थी। शूटिंग लगभग समाप्त हो गई है, ये अब तक हो गया है संजय दत्त के स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए नहीं है। एक बार जब वे अपने इलाज के बाद वापस आ जाते हैं, तो फिल्म के चरोत्मर्श को डबिंग भाग के साथ शूट किया जाएगा और इसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहली फिल्म में अधीरा का चेहरा फिल्म के पहले भाग में जारी नहीं किया गया है और संजय दत्त के एक विरोधी के रूप में घोषणा के साथ केवल दर्शकों की उत्तेजना में ढन डाला है। जी हाँ दोस्तों, संजय दत्त के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म में अपने किरदार के रूप में काम करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए थे। ये वाइकिंग से प्रेरित है। निर्देशक प्रशांत नील ने एक साक्षात्कार में कहा कि इसका कारण उचित होगा और फिल्म रिलीज के रूप में प्रकट किया जाएगा। जैसा कि हम पहले की बता चुके हैं कि संजय दत्त जब अपने विलन की भूमिका निभाते हैं, तो अपने लुक को लेकर काफ़ी खास होते हैं। इसी तरह इस फिल्म के लिए भी उन्होंने अपने लुक में अतिरिक्त मेहनत की है और ये सुनिश्चित किया है कि ऐसा कुछ हो जो पहले नहीं किया गया है। हम आपको बता दें, संजय दत्त ने जब भी खलनायक की भूमिका निभाई, उन्होंने अपने लुक के साथ एक ट्रेंड सेट किया है और हम KGF 2 में उनके लुक को देखने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हाल ही में उन्होंने KGF में अपने लुक के लिए एक हेयर कट भी कराया है और हम आपको बता दें, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट आलिम हकीम ने इसे साझा किया। उनके इंस्टाग्राम पर संजय दत्त का एक वीडियो है, जहां वह सभी को एक सकारात्मक संदेश भेजते हुए बताते हैं कि वे कैंसर से लड़ेंगे। दोस्तों, अब वे कैंसर मुक्त हैं, वे सेट पर शामिल होने और शूटिंग शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम आपको बता दें, संजय दत्त ने अपने किरदार की तुलना थानोस से की है। थानोस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उस समय के सबसे शक्तिशाली खलनायक थे, यहाँ थानोस का अपना संस्करण होना बहुत रोमांचक हो सकता है, चूँकि उनके चरित्र को एक डरावने रूप के साथ एक बहुत खतरनाक के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए इसकी तुलना थानोस से करना वैध था। हम आपको बता दें, 26 अक्टूबर रवीना टंडन का 46th बर्थडे फिल्म का एक पोस्टर और जारी करने के लिए लिया गया है, जो फिल्म के साथ उनके सहयोग की पुष्टि करता है। हम आपको बता दें, फिल्म में उनका लुक निहायत भयंकर है। रामिका सेन की भूमिका निभाते
बनाते हुए वे फर्श पर आग लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। जी हाँ दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ खुद को जोड़कर सिल्वर स्क्रीन में रवीना टंडन के लिए ये एक बड़ी वापसी है। पोस्टर में वे कोर्ट रूम में बैठी लाल साड़ी पहने नजर आ रही हैं। वे निडर और आत्मविश्वास से भरी पड़ी हैं। दर्शकों के साथ लुक को साझा करते हुए निर्देशक प्रशांत नील ने रवीना टंडन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देने के साथ गेवल टू ब्रुटैलिटी लिखा है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में वह 1982 के प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते दिखाई देंगी। भले ही प्रशंसक दशहरे में फिल्म के ट्रेलर रिलीज के लिए उत्सुक थे, लेकिन ये रिलीज नहीं हो पाया। निर्देशक प्रशांत नील ने कहा कि वह फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी होने के बाद ही ट्रेलर या टीजर जारी करना चाहेंगे, जिसका मतलब है कि दर्शकों को ट्रेलर या टीजर के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।